लेडीज एंड जेंटलमैन, वीकेंडी इज बैक। The most impatiently waited map is back. Guys, you know what? Snow Heaven is back! So finally, जिस मैप का इतना ज्यादा इंतजार हो रहा था वो बैक आ चुका है। और आज के दिन हम खेलेंगे वीकेंडी मैप में। आपको वीकेंडी की खूबसूरत खूबसूरत जगहों से मुतारिफ कराऊंगा और साथ ही साथ हम देखेंगे वीकेंडी की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। Let's go guys। चलो चलो चलो। नए हो ना, पहली दफा आ रहे हो ना, तो क्या देख रहे हो, सब्सक्राइब करो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस मार्क को अपनी जहन में बिठा लो, इस जगह का अपनी जहन में छापा लगा लो। यहाँ पे आपको मिलेगी एक सीक्रेट केव जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी लूट मिलेगी। आर्म्स पार्ट्स के बमुकाबले यहाँ पे आपको 2x लूट मिलेगी। यहाँ पे एंटर होने के लिए सबसे पहले आपको एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। अगर गाड़ी नहीं है तो आपको ग्रेनेड की जरूरत पड़ेगी। आपने करना क्या, आपने बैक जाना है थोड़ा सा और बैक जाना है। अरे बस कर भाई। बैक जाते जाना है और काफ़ी दूर से आपने गाड़ी को ला के फुल स्पीड में इस पत्थर के साथ टकराना है। जो ही गाड़ी इस पत्थर के साथ टकराएगी और बूम, इस केव का दरवाज़ा खुल जाएगा और आप अंदर चले जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी लूट मिलेगी, आप यहाँ से बहुत ही अच्छी लूट के साथ निकल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सेफ खेल रहे हैं, आप कैंपिंग करना चाहते हैं, आप रैंक पुश करना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आप अच्छे से 2 से 3 जून सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। कैंडी मैप के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही खूबसूरत कला। क्या क्या बोला तूने? खूबसूरत। पहले क्या बोला? कला। चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। जी हाँ, अगर आप अर्तुरुल गाजी के फैन हैं तो आपको बिल्कुल सोफिया जैसा कला यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इस कला के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे स्पॉट्स मिलेंगे जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे फायर चल रही है तो आप अच्छे से फायर ले सकते हैं। अगर मेरी राय में पूछे तो मुझे ये कला बहुत पसंद आया। अरे यार क्या बोल रहे हैं मामा, कुछ समझ नहीं आ रहा, बिजली खर्च होती है तो ऐसी पागल बना रहा है। इस किला में घूम के तो मुझे बादशाही मस्जिद की याद आ गई। मतलब कि काफ़ी चीज़ें सेम यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। साथ अगर आप रैंक पुश कर रहे हैं तो कंकर पुश के लिए भी ये जगह बहुत ही अच्छी है। इसके साथ साथ इस जगह पे ब्रिज कैंप भी किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे आके बैठ जाएं और अपनी टीम मेंबर को राइट साइड पर बैठा दें, खुद लेफ्ट साइड पर बैठ जाएँ, तो ईजिली कोई भी अगर गाड़ी आ रही है उसमें फुल स्क्वाड हो तो आप फुल स्क्वाड का स्क्वाड इस जगह से वाइप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। सो गाइज, लेट्स मूव टू अवर थर्ड स्पॉट है हमारा डाइनो पार्क। डाइनो पार्क में आपको बहुत से डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक खूबसूरत सी पार्क है, खूबसूरत नहीं अलबत्ता, ये पार्क जो है वो एक सैलाब में बह चुकी थी। वीकेंडी में एक सैलाब आया था। अच्छा। जी हाँ दोस्तों, वीकेंडी में एक सैलाब आया था जिसमें ये पार्क बह चुकी थी, लेकिन अभी तक इसका जो नक्शा है वो काबिले दीद है। सैलाब के ख़त्म होने के बाद खुशहाली की वजह से यहाँ पे पानी खुश्क हो गया और उसके बाद से ये पार्क एक बहुत ही खूबसूरत मंजर बन चुकी है। तो बस यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप इस ट्रैक पे आए तो ये झूले का ट्रैक है, अलबत्ता झूला टूट चुका है, तो आप इस ट्रैक पे जंप करके चढ़ सकते हैं। और इस ट्रैक पे अगर आप जाते जाएं चलो थोड़ा सा और जाते जाएं, नहीं थोड़ा सा और आगे जाएं, जाते जाएं तो यहाँ पे आपको एक स्पॉट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अगर यहाँ इस जगह पे आके अगर आप जंप करते हैं तो इस डायनासोर के आप ऊपर आ जाएंगे। इस डायनासोर के ऊपर आके आप आराम से लेट जाएं तो कोई भी आपको यहाँ पे स्पॉट नहीं कर सकेगा, कोई भी बंदा आपको यहाँ पे देख नहीं सकेगा। यहाँ पे आप आराम से लेट जाएं और अपने 2 से 3 जून आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे कहीं से भी स्क्वाड आ जाए तो आप ऊपर से इजिली उसे नॉक एंड फिनिश दे सकते हैं। वो आपको नीचे ढूंढते रहेंगे, डायनासोर के पाँव के पास ढूंढते रहेंगे, वो सोच रहे होंगे कहीं पे लेटा होगा, कवर में होगा, घास में होगा, लेकिन वो आपको स्पॉट ही नहीं कर पाएंगे। आप इजीली यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डायनो पार्क में देखने को मिलेगी एक भूल भुलैया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप FPP मोड ऑन करके इस भूल भुलैया के अंदर चले जाएं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक दफा जरूर डर के मारे चीख मार देंगे, क्योंकि हमें इस भूल भुलैया के अंदर जगह जगह डायनासोर्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि FPP करके इस भूल भुलैया के अंदर मत जाएं।
इस भूल भुलैया से निकलने का एक इजी स्पॉट ये डायनासोर का सर है। आप इसके पास आए, क्लाइंब करें, इसके ऊपर चलें तो आप मेज से इजीली बाहर जा सकते हैं। डायनो पार्क के अंदर आपको बहुत सारे डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर पानी वाले डायनासोर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक पानी वाला डायनासोर भी मिलेगा। आई डोंट नो व्हाट इट्स नेम इज़, बट ये काफ़ी डरावना है फ्रंट साइड से, तो आपको यहाँ पे बहुत से डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। ये वाला जो हमारा स्पॉट है ये टिकटॉकर्स के लिए बहुत ही अच्छा है और ये पहले भी बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुआ क्योंकि यहाँ पे आप वीआईपी कंटेंट बना सकते हैं। यहाँ पे आके आप बहुत ही अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इस टावर के ऊपर लैंड कर जाते हैं तो यहाँ पे आपको कई ऐसी वीडियोज़ हैं जो आप ईजिली बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा एक छोटा क्लिप बन सकता है, मौत को छू के टक से वापस आ सकता, तो ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स यहाँ पे बहुत अच्छे से बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्पॉट है, बहुत ही हाइट पे है। यहाँ पे आके आप बैकग्राउंड पे कोई भी म्यूज़िक लगा के, सैड म्यूज़िक लगा के यहाँ से जंप डाउन कर सकते हैं और स्लो मोशन में अगर वीडियो को चलाएंगे तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आप आके अगर जंप करते हैं, जंप करके आपको पता है क्लाइंब बैक किया जा सकता है। अगर आप क्लाइंब बैक कर पाते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी वीडियो बनेगी। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। तो गाइज मूव करते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। गाइज अगर आप लैंडिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक ऊंचा सा रॉकेट नजर आएगा। आप क्या आप इस रॉकेट की नोजल पे भी लैंड कर सकते हैं? चलिए चेक करते हैं, मैं आपको लैंडिंग करके दिखाता हूँ। लेट्स चेक क्या हम इसकी टॉप पे लैंड कर सकते हैं। गाइज इसकी टॉप बहुत ही बारीक है तो इस पर लैंडिंग करना काफ़ी मुश्किल है। अलबत्ता नीचे जो आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, नीचे आप लैंडिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ वीकेंडी की खूबसूरत खूबसूरत प्लेसेस। इसके अलावा अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो वीकेंडी मूड से रिलेटेड आपको चार अचीवमेंट्स देखने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अचीवमेंट देखने को मिलेगी थ्रेट फ्रॉम अबव। इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने वीकेंडी मैप में सेंट्रा नामी जगह पे रेड न्यूज़पेपर होगा वहाँ पे आपने एक दफ़ा लैंडिंग करनी है और एक दफ़ा डायनो पार्क की मेज़ की सेंटर में, जो मैंने भूल भुलैया आपको भी दिखाई है, उसके सेंटर में आपने लैंडिंग करनी है। इस तरह करने से आपको कुछ अचीवमेंट पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरी अचीवमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी आर्कटिक फाइटर। इसमें क्या करना है, आपने चिकन डिनर हासिल करने हैं, 50 चिकन डिनर हासिल करने पे आपको अच्छे अचीवमेंट पॉइंट्स मिलेंगे। अगर लास्ट में आए तो आपको ग्राफ्टी आर्टिस्ट के नाम से एक अचीवमेंट मिलेगी। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने 10 टाइम्स वीकेंडी में ग्राफ्टी करनी है। ग्राफ्टी क्या, अगर रिमोट का ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है तो उसके नीचे एक पेंट का ऑप्शन होगा। आप वीकेंडी मैप में जाए किसी भी जगह जाकर 10 जगह वो पेंट चिपका दें, जिसे आप स्टिकर भी बोलते हैं, वो स्टिकर चिपका दें तो आपकी अचीवमेंट ये भी पूरी हो जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, पबजी मोबाइल प्रेजेंट्स यू द लेडी पोलारिका। चल चलिए। भाई कटी मैच चलानी है। मनु टीका लायो है। मनु गोलियां लग रही है जे। I'm coming for you। मनु गोलियां चाहिए नहीं यार। क्यों लगता हो गया? ऐसे बंदे हो रहे हैं। मतलब मेरे पंगे के लिए मेरे पंगे, वो ये मेरे नेट वाया हो रहे हैं। गायब मरने वाले में से नहीं है। रुक तेरे को बता दे। जाट लांते चवल ना मारे। गाड़ी। जाट ने ओलो इसलिए किया कि उसका दूसरा नेट भी थे। जाट इधर आई। खत्म। बाय बाय। टाटा। गुड बाय। गया।
मैं कसम से रिपोर्ट की है, मैं अभी तेरे रिपोर्ट रखवाती हूँ। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।